मैथिली समन्वय समिति की ओर से 30 अप्रैल को डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में मिथिला रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के करीब 230 कंपनियां भाग ले रही है, जिसमें बेरोजगार युवक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर भाग ले सकते हैं। जिनके पास जिस तरह की योग्यता होगी उन्हें उस तरह की नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त बातें समिति के संसद सह संदीप यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर संदीप झा ने प्रेस वार्ता कर कही। उन्होंने बताया कि मिथिला के युवाओं को सभी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजन किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर संदीप झा ने कहा कि मैथिल समन्वय समिति एक गैर राजनीतिक संगठन है जो प्रवासी मैथिल लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में मिथिला की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग की कमी है। यहाँ के काफी लोग अन्य प्रदेशों में जाकर उद्योग लगाए। हमने भी अपने पैतृक गाँव में संदीप यूनिवर्सिटी की बिहार की फर्स्ट सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संस्थान के अध्यक्ष कमल झा बेनीपुर में उद्योग बिजनेस स्टार्ट किए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उद्योग स्थापित किया ताकि मैथिल लोगों को रोजगार मिल सके। इसी के मद्देनजर हम लोग रोजगार मेला लगा रहे हैं ताकि यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही जब इस तरह के आयोजन में अन्य प्रदेश के कंपनी के प्रतिनिधि आएंगे, यहाँ के टैलेंटेड युवाओं को देखेंगे तो उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ पर अगर उनको स्किल्ड मैन पावर मिलेगा तो वो लोग उद्योग यहाँ भी लगा सकते हैं। दरभंगा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले आपने पूछे हमारे सर से जो मिथिला रोजगार मेला नाम रखने की क्या उद्देश्य। सबसे पहले इनके नाम पर ये मैथिल समन्वय समिति, समन्वय मतलब होता है एक अम्ब्रेला। बहुत सारे भारतवर्ष में मिथिला मैथिली के नाम पर में बाबा विद्यापति समारोह अन्य अन्य विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, उसमें लाखों रुपए खर्चा होता है। लेकिन मैथिल समन्वय समिति किसी भी संस्था का अवहेलना, सबको सम्मान करते हैं। हमारे नाम है मैथिल समन्वय समिति, सबको अपनी अम्ब्रेला के नीचे लाना और मिल बांट करके काम करना। रही बात अभी इस क्षेत्र में रोजगार की, तो हम लोगों ने अभी आए ही हैं, शुरुआत किए हैं। कुछ हमारी मेंबर हैं जो दरभंगा एयरपोर्ट के बगल में बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें 100-200 लोग काम कर रहे हैं। हमारे सर हैं जिसके पास 700 से 800 लोग खाली सिजोल में जॉब कर रहे हैं। हमारे पास 200-250 आदमी बेनीपुर में काम कर रहे हैं। हम लोग लाने के लिए यहाँ की प्रतिभाशील बच्चे को मदद मांगना चाहता हूँ, आप लोगों से मदद मांगना चाहता हूँ। अगर हम लोगों को एक सर्कल अम्ब्रेला बड़ा बना के देंगे, 10-20 हजार युवा हमारे लोगों के बीच में आ जाएगा, जॉब में आ जाएगा, तो हम लोग उस कंपनी को बाहर में मुंबई सब की कंपनी को हम अपना मिथिला के विकास के लिए आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, जो आप लोगों को यहाँ कोई क्षति नहीं होगा, अच्छा मदद मिलेगा, अच्छा जॉब वाले लड़के मिलेंगे। तो वही मैसेज हम लोगों का है, प्रयास तो हम लोग का जारी हो गया है। Thank you.